बात करते हैं हम लोग संज्ञा की। प्रकरण है हमारा संज्ञा प्रकरण। संज्ञा का मतलब होता है व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मूल रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये कैसे रूप कहलाते हैं? मूल रूप। अगर बात की जाए कुल संज्ञा के भेद कितने हैं तो पांच भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है इनको तीन प्रकार से अध्ययन किया जाता है। ये भेद नहीं है, इनको तीन तरह से अध्ययन किया जाता है, ठोस, तरल और गैस। और इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि सारी चीजें विधिवत और अलग अलग स्पष्ट हो जाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां पर होती है जहां पर एकल व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को प्रतिबिंबित किया जाता है। जहां पर किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम लिया जाए वहां पर कैसी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मोहन, गणेश, श्याम, गीता, ये सब कैसी संज्ञा है? जब ऐसी संज्ञाएं जो अपने समान विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करें, अपने समान चीजों का प्रतिनिधित्व करें, तो वो संज्ञा कैसी कहलाती है? जैसे हमने कहा पक्षी, तो हर पक्षी को हम पक्षी कह सकते हैं, लेकिन हर मनुष्य को हम राम, श्याम, गीता नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति है और यहाँ पर है जाति विशेष, क्योंकि ये अपने समान चीजों का, ये शब्द अपने समान चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमने कहा आम, सभी आम है, नीम, सब नीम है, कोई भी मिठाई, आदि आदि शब्द कैसे है? जातिवाचक है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। वह संज्ञा है जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक शब्दों में प्रत्ययों को लगाकर निर्मित किया जाता है और जो भावनात्मक अर्थ को प्रदान करते हैं। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। भाववाचक संज्ञा में जैसे बूढ़ा शब्द है, ये कैसा शब्द है? जातिवाचक शब्द। बूढ़ा शब्द कैसा है? क्योंकि हर एक एक अवस्था है ना, उस अवस्था के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कहेंगे तो आपा प्रत्यय लगाया तो क्या बना? बुढ़ापा शब्द कैसा हो गया? भाववाचक हो गया। अब जैसे बच्चा शब्द है, बचपना, कैसा शब्द हो गया? जवानी, मिठास। समूहवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जो अपने जैसे चीजों के संगठनात्मक इकाई को दर्शाती हैं। क्या दर्शाते हैं? संगठनात्मक इकाई को। जब कोई भी ऐसी विषय वस्तु जो संगठन को दर्शाए तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे भीड़, जत्था, गिरोह, कबीला, सेना, संगठन, परिवार, गुच्छा, चट्टा, गठर, गठरी, ढेर, बकरी, झुंड, छत्ता, तो ये सब क्या है? परिषद, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्य पदार्थवाची संज्ञाएं वो होती हैं जिनकी माप तौल होती है, गिनती नहीं की जा सकती, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको हम एक दो तीन चार नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल मात्रक में प्रयोग करते हैं। तो तीन अवस्थाओं में वो चीजें हैं, ठोस जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा आदि। तरल पदार्थ में क्या है? दूध, घी, पानी, तेल इत्यादि। गैस में जैसे धुआं, LPG या ये सब कैसी चीजें हैं? ये ऐसी हैं जिनकी हम गणना, यदि गणना हो सकती तो समूह या जाति में चला जाता, तो समूह या जाति में चला जाता। कोई दिक्कत है इतने में? बातें समझ गए? ठीक है।